साध्वी सविता जन्मदास को आज श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर की उपाधि हरे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा के महामंडलेश्वरों द्वारा दी गई। सहारनपुर सुखोपुरा बेरीबाग में प्रेस वार्ता का आयोजन साध्वी सविता जन्मदास द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हरे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा द्वारा उन्हें अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। उनका पट्टा अभिषेक कर प्रमाण पत्र दिया गया। हरे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा के पदाधिकारी व श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर जिन्होंने साध्वी सविता जन्मदास को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर गिरधर महाराज संस्थापक मथुरा वृंदावन, श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास महाराज ओंकार MP, श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर मनसुख गिरी बापू भारत प्रचार मंत्री गुजरात अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर बनाया गया। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जैसा कि अभी अवध थोड़ी देर पहले सूत्रों से भी एक बात ज्ञात हुई थी कि जो वृंदावन से जो महाराज जी आए हैं वो जल्द ही जो है खाटू श्याम के नाम से काफी जगह जो है बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े बना रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो जो मंदिर है वो कितने जगह और कहाँ कहाँ बनेंगे, आइए उसमें भी थोड़ी बात करते हैं। ये महाराज जी सूत्रों से जो ज्ञात हुआ था कि आप जो है अलग अलग जगह पर खाटू श्याम अखाड़ा के नाम से जो है जगह जगह खाटू जी के मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ है, वो जनता जानना चाहिए। खाटू श्याम अखाड़ा की क्षमति एवं सभी संत महात्माओं ने बैठ करके ये निर्णय लिया। बाबा श्याम ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि देश और विदेश में 108 मंदिर बाबा श्याम के बनवाओ, तो मैंने ये संकल्प बाबा के आशीर्वाद से लेकर के देश विदेश में 108 मंदिरों का निर्माण के लिए हम लोग तत्पर कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भी हमको बाबा की कृपा होगी बनवाएंगे और जल्द से जल्द हम सहारनपुर में भी बाबा का मंदिर बनवाएंगे और जमीन जहां हमको देंगे वहां पर हम मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने अपने अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी जी से चर्चा की है कि ये जमीन की व्यवस्था कराएं और यहां पर होती है व्यवस्था तो हम बाबा का मंदिर बनाएंगे और मंदिर बना करके सब भक्तों के लिए आनंद की अद्भुत दृश्य बाबा का रहेगा, सभी को दर्शन होगा। और किसी कारणवश हम लोग खाटू नहीं जा पाते हैं तो यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार रहेंगे। और संत सुरक्षा बर्बरिक सेना जो हमारे सनातन धर्म को ऐसे असामाजिक तत्व जिनको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं वो लोग हमारे धर्म को जो डुबा रहे उसके लिए हमने संत सुरक्षा बर्बरिक सेना का एक निर्माण किया है, जिसमें हमारे युवा भाइयों की उस सेना के अंदर हम भर्तियां कर रहे हैं, उनको साथ में ले रहे हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। जो संस्थापक थे उनसे बात की, आइए आगे की ओर चलते हैं। जो हमारे साथ और जो महामंडलेश्वर आए हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके भी विचार। जी महाराज जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर मनसुख गिरी बापू गुजरात। जी महाराज जी आप यहाँ आज आए हैं और साध्वी जी का हमें पता लगा कि महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या रखना चाहेंगे अपनी बात? हम आज सहारनपुर आए हैं और सविता दास जमुना दास को हमारे अखाड़े से खाटू श्याम अखाड़े से उनको अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर हमने उनको घोषित किया गया है और हमको इतना विश्वास है कि हमारे अखाड़े को आगे ले जाए और उनके अंदर पूरा निष्ठा से कार्य करे। आइए आगे की ओर चलते हैं और भी हमारे साथ महामंडलेश्वर जी जुड़े हैं, उनसे भी परिचय करते हैं। आचार्य जी जी अपना बोलिए आचार्य जी बोलते जी, आप अपना नाम बताएं। लखदाता की जय, खाटू नरेश की जय। जी महाराज जी कहाँ से गिरा रहे हैं? शुक्रदाल मुजफ्फरनगर से। मैं आचार्य पंकज कृष्ण महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर खाटू श्याम अखाड़ा। जी आज सहारनपुर आगमन हुआ है, क्या विषय है? विषय है जानकी दास जी जो माता जी हैं उनको सविता जमुना दास जी महाराज अखाड़ा अपने अखाड़ा श्री खाटू श्याम अखाड़ा से महाराज जी जुड़े हैं। आज महामंडलेश्वर का पद उनको मिला है और सनातन धर्म का पूर्ण रूप से उनके अंदर सब शक्तियाँ विराजमान है। अपने सनातन धर्म का प्रचार करना है, अपने भारत के लिए कार्य करना है, दुनिया के लिए पूरे भारत को विश्व में सम्मान दिलाना है। जगत गुरु भारत है ही, बस यही कहना है।
चलिए आइए अब जो है सभी हमने महामंडलेश्वर से बात की है, आइए अब साध्वी जी से भी बात करते हैं, उनको उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की, वो अब क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी जय श्री कृष्णा। साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर, महात्यागी नागर साध्वी। महाराज जी आज आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है और खाटू श्याम अखाड़े से सभी महाराज जो है अलग अलग जगह से आए हैं, तो अब आप इसमें कितने खुश हैं और आगे क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज मेरी प्रसन्नता अपने चरम पर है क्योंकि मैं श्याम दीवानी तो हूँ ही, लेकिन आज निशांत जी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि आज मुझे हारे का सहारा घाटू श्याम अखाड़ा परिषद से मुझे अंतर्राष्ट्रीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। और केवल उपाधि ही नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा हर्ष इस बात का है कि सबका मेरे ऊपर विश्वास बना है और मैंने अपने जीवन को धर्म के प्रति और देश के प्रति निछावर किया है, और मैं चाहती हूँ खाटू श्याम महाराज मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने सनातन धर्म की पताका को आगे तक ले जाने का साहस जुटा सकूँ और अपने धर्म को आगे ले जाते हुए अखंड भारत का और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का हम सभी का भारतवासियों का सपना है उसे पूर्ण करने में अपना पूरा योगदान दे।